एग्जाम्पल फॉर यूज वॉल्व मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 8x1 प्लस 10x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो किसमें होनी चाहिए, मिनिमम में. तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, फंक्शन. उसके बाद हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो भी होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू में, तो ये हमारा है g1x. इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0. तो इसको दे दिया g2x, g3x. तो सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया. उसके बाद हमने कई किटी कंडीशंस को यूज कर लिया, प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, सॉरी प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है. तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू में है, तो हमने स्लैक वेरिएबल को यहाँ पे एड कर दिया. देन हमारे जो वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिंपली हमने डुअल बना दिया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सॉरी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया. तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे हमने कंप्लीट सोल्यूशन बना दिया. यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या लिखोगे, u1x3 इक्वल टू 0, u2x1 इक्वल टू 0, u3x2 इक्वल टू 0. वी सॉल्व pf df सच दैट cs हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. सो हमने प्राइमल और डुअल की कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर कर लिया, और हम जो डुअल की कंस्ट्रेंट होती हैं उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स a1 a2 को ऐड कर देते हैं. सो ये हमारी कंस्ट्रेंट बन गई. इसको हम नेम दे दिया phase 1, क्योंकि हम टू फेस मेथड को यूज कर रहे हैं. ये हमारा phase 1 है. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टेप में हम phase 2 यूज करेंगे. मेन टारगेट क्या है हमारा, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उनको टेबल से रिमूव करना है. सो सिंपली हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल टेबल बना लिया, और यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिफिशियल वेरिएबल स्लैक वेरिएबल. आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशियंट क्या होता है, -1 -1, और स्लैक वेरिएबल का कोफिशियंट क्या होता है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 0x3, और x भी किसके इक्वल होता है, जो इक्वल टू में होता है 8, 10, 6. ऐसे हमने सभी के कोफिशियंट लिख दिए, और इसको हमने कर दिया एंटर. जरूरी नहीं है कि आपने x2 को एंटर करना है, यहाँ पे x1 को भी एंटर कर सकते थे. इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन रहा है लीस्ट पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, सॉरी स्लैक वेरिएबल है, वो रिमूव हो गया. मेन टारगेट क्या है, इन दोनों को रिमूव करना है हमने. सो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया x2, और x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 0. देन ऑपरेशन लगा के यहाँ पे बनाना है हमने 1, 0, 0. तो यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशंस नहीं लिखे, तो आपने मेंशन करना है R1 पे तो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है. तो R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया, R2 - R3, क्योंकि 2 - 2 = 0. ऐसी R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे by 2, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, सॉरी ये टेबल आ गया 0, 0, 1. यहां से हमारा स्टार्ट हो गया टू फेस मेथड phase 2, और ये हमारी कौन सी इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन. यहाँ पे आपने मेंशन करना है भी हम कौन सी इटरेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया. जैसे हमने स्पेक्ट्रम के एग्जांपल किए थे, वैसे ही आपने यहाँ पे मेंशन करना है. अगर आपने वो एग्जांपल्स नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो वीडियो के नीचे बायो होता है, उसको आपने क्लिक करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. देन इसके बाद आपने इसको एंटर कर दिया, क्योंकि ये हमारा बन रहा है नेगेटिव. अगर आप यहाँ पे कोई और टर्म नेगेटिव होती तो उसको आपने ऐड कर देना था, सॉरी एंटर कर देना. फिर इसको बाहर डिवाइड करके देखा, ये बन रहा है लीस्ट पॉजिटिव. सो हमारे यहाँ पे a2 क्या हो गया, रिमूव हो गया. अब उसके बाद हमने a1 को रिमूव करना है. देन यहाँ पे हमने बनाना है 1, और यहाँ पे 0. इसकी जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि पेपर में लास्ट ईयर मेरा जो बल्लेस मेथड था, जो नेक्स्ट हम करेंगे, उसका जो क्वेश्चन आंसर नहीं आया था, इसलिए मुझे उसको छोड़ के ड्वेलिटी की थ्योरम्स करनी पड़ गई थी. तो आपने जो ड्वेलिटी की थ्योरम्स है उसको अच्छे से करना है. अगर आपके पास पेपर में ऑप्शन नहीं है, तब आपने इसका जो क्वेश्चन है वो उठाना है,
क्योंकि ये इसका जो कई बार पेपर में आंसर नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत टफ होती है। यहाँ पे देखने में इजी लगती है, बट अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो बहुत टफ है। देन यहाँ पे हमने बनाना है वन, इसका मतलब है यहाँ पे हमने आर वन पे ऑपरेशन लगाया, आर वन माइनस इसको डिवाइड कर देंगे 3/2 आर टू, ऐसे आर टू पे ऑपरेशन लगाएंगे आर टू अपॉन टू। सो यहाँ पे बन जाएगा 0 1, और ये 0 ऑलरेडी, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करके देखो 3 - 2/3 मल्टीप्लाई 2 is 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 3 - 3 0। सो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया u1 को, u1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी हम एंटर करने हैं उसी का कोएफिशिएंट लिखना है। इसको फिर से एंटर कर दिया क्योंकि ये बन रहा है हमारा मॉस नेगेटिव। जो इंग्लिश लिखी है इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में पहले इतना कम टाइम होता है, सभी क्वेश्चंस या थ्योरम्स बहुत लेंथी होती हैं, तो आपका अगर पेपर में कोई क्वेश्चन अड़ जाता है तो उसको छोड़ के आपने कोई और क्वेश्चन करने लग जाना है, क्योंकि अगर वो सॉल्व करते रहोगे तो आपका पेपर रह जाएगा क्योंकि इसका पेपर बहुत लेंथी होता है। नाउ इसको फिर से कर दिया लीव, इसको कर दिया एंटर, दैट मीन्स x1 यहाँ पे आ जाएगा और इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, और ये भी हमारा हो गया लीव। यहाँ पे जैसे लीव लीव लिख रहे हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन फिर से ऑपरेशंस लगाएंगे, यहाँ पे बनाना है 1 0 0, तो हमारे पास लास्ट में इनिशियल टेबल आ गया जिसमें डेल्टा जे क्या आ गया इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सभी के कोएफिशिएंट 0 आ रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा जे है वो भी क्या आ जाएगा 0। डेल्टा जे हमेशा कैसे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे, पर साइज की बुक वाले यहाँ पे जेड जे नहीं निकालते, तो आपने निकाल के दिखाना है। उसके बाद x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/13, x2 की आ गई 33/13, और जेड मैक्सिमम को मैंने सॉल्व करके देखा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे खुद से सॉल्व करना है। तो लास्ट में मेरा आंसर आ रहा था 277/13, इसका मतलब जो बुक में आंसर है वो गलत दे रखा है, तो आपने यहाँ पे ठीक करना है। जैसे हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा था, हमारे पास 9/3 आ रहा था। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती हैं। हमने दोनों बुक्स की एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर दिया, स्पेक्ट्रम की भी पर साइज की भी। अब हम स्पेक्ट्रम के जो दो क्वेश्चंस हैं उनको करके फिर हम बल्लेज मेथड करेंगे। जो पर साइज की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एग्जाम्पल थी स्पेक्ट्रम की, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आपने ये नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। ये कौन सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो स्पेक्ट्रम बुक की है, तो वहां से आपने इसको देख लेना है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसका, जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो हमारे स्पेक्ट्रम की बुक का फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे दो क्वेश्चंस रह गए, इनको हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। और इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास है स्पेक्ट्रम की बुक में, तो वहां से करेंगे। और इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं है तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। और ये हमारा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम की बुक का क्वेश्चन नंबर 4, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बल्लेज मेथड को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।